साथियों नमस्कार। मुद्रा चिकित्सा विज्ञान के इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों इस द्वितीय भाग में, द्वितीय कड़ी में हम आपके लिए आए हुए हैं मुद्रा चिकित्सा विज्ञान का वह अद्भुत प्रक्रिया जिसके द्वारा हम उनके उद्देश्यों को जानेंगे, इसके विशेषताओं के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, साथ ही साथ मुद्रा कितने समय, क्यों, कब और कैसे लगाएं इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस भाग में आपको बताने वाले हैं। तो साथियों मुद्राओं के बारे में प्रथम जो कड़ी था उस कड़ी में हम लोगों ने जाना कि मुद्रा है क्या, मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के कौन कौन से परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को अलग अलग ग्रंथों के रिगार्डिंग देखने का प्रयास किया। इस भाग में उससे भी अधिक अच्छी जानकारी जो आपके लिए अनिवार्य है, जितने भी योग के साधक हैं सभी के लिए आवश्यक है कि इन तथ्यों को जानें और जानकर कि सही और ठीक और सटीक इसका प्रयोग करें। निश्चित तौर से आप लोगों के लिए मुद्रा चिकित्सा विज्ञान का यह सीरीज भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं इस कड़ी का अगला भाग। साथियों मुद्रा आत्मशक्ति के अभिव्यक्ति का साधन है। मुद्रा श्वसन तंत्र में मंत्र को ज्ञान शक्ति लेकिन मुद्रा को परमात्मा की क्रिया शक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया है। द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फेस इज कॉल्ड मुद्रा। जो हमारी जो चेहरे की भावभंगिमा, विशेष भावभंगिमा है उसे मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया है। कहा गया है नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिदम चिदिमंडल। पूरे ब्रह्मांड में मुद्रा से बड़ा और कोई सिद्धि प्रदान करने वाला कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करना है, सिद्धि हस्तगत करनी है तो मुद्रा का हमें प्रयोग करना ही होगा। बट हमें गहराई से जानना पड़ेगा कि मुद्रा है क्या, इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। किंतु इस कड़ी में हम लोग मुद्रा के उद्देश्य को पहले जान लेते हैं। उद्देश्य है क्या मुद्रा का, क्योंकि तो बिना उद्देश्य कोई कार्य करना नहीं चाहिए। और यदि हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए मुद्रा एक वैकल्पिक चिकित्सा के अंदर नहीं, योग चिकित्सा का एक भाग है और योग और आयुर्वेद ये सारे वैकल्पिक चिकित्सा का एक अंग है। तो साथियों जो योग का उद्देश्य है वो आयुर्वेद और आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वही योग का उद्देश्य होना चाहिए। कहा गया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। स्वस्थ व्यक्ति को लंबे समय तक दीर्घायु प्रदान करना नंबर फर्स्ट इसका उद्देश्य है। और दूसरा जो उद्देश्य दिया गया है आदर्श विकार प्रशमन। जो रोगी व्यक्ति है जो रोगग्रस्त हो गया उसे कैसे स्वस्थ बनाया जा सके ये भी इसका उद्देश्य है। केवल दो उद्देश्य है, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करना और जो स्वस्थ है उसे और भी स्वास्थ्य प्रदान करना, अर्थात जीवेन श्रद्धा शतम 100 साल तक स्वस्थ कैसे रह सके, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा चिकित्सा भी उसमें कारगर है। अगर मुद्रा चिकित्सा की विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करें, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसके लिए हम लोग मुद्रा करनी चाहिए, मुद्रा में लगाना चाहिए, सबसे नंबर वन तो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान एवं साधना है। इसमें कोई भी ऐसा अननेचुरल अप्राकृतिक कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें हम मुद्रा चिकित्सा में प्रयोग कर रहे हैं। बसरते साथियों हमें मुद्रा चिकित्सा के विशेष सिद्धांतों को हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी साधना पद्धति, हमें साधना कितने समय तक इस मुद्रा का प्रयोग करें, किस स्थिति में करें, किस स्थिति में ना करें, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें इस मुद्रा का सही प्रयोग और सही बेनिफिट जो लाभ है वो लाभ हमें मिल सके। दूसरा इसकी विशेषता यह है कि सहज है, सरल है, सर्वसुलभ है, वह प्रति प्रभाव से मुक्त है। प्रति प्रभाव मतलब सिर्फ नो साइड इफेक्ट नहीं है। अगर प्रति प्रभाव कहेंगे सिर्फ एक ही पक्ष में हो सकता है या आप गलत प्रयोग करते हैं, जैसे जहां भी यदि आपको जल मुद्रा का प्रयोग करना है, वन मुद्रा का प्रयोग करना है, वहां पर अगर आपने अग्नि मुद्रा का प्रयोग कर दिया तो मे भी संभव है कि आपको उसका दुष्प्रभाव पड़े। परंतु ये नहीं है कि आपने यदि स्वास्थ्य के लिए, अगर हमारे डाइजेशन के लिए कोई अग्नि मुद्रा का प्रयोग किया तो आपको डाइजेशन में कोई ज्यादा दिक्कत हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। या डाइजेशन का आपने पाचन तंत्र के लिए अगर अग्नि तत्व मुद्रा की चिकित्सा का प्रयोग किया और आपको क्या है आपका परिसंचरण तंत्र में, आपको उत्सर्जन तंत्र में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है।
और सहज सरल है। आप जिस समय जब चाहें, जितने समय के लिए चाहें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आप इसको 1 घंटा लगाए या 2 घंटा लगाए। जब भी साथियों समय मिलता है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें जो दिया गया है, औषधि रहित चिकित्सा प्रणाली, जिसमें किसी प्रकार की औषधियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हमारे लिए औषधि हमारे हाथ की ये 5 फिंगर 10 फिंगर है, इन फिंगर को आपस में मिला करके तत्वों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ऊर्जा का विनिमय करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, यही हमारे लिए औषधि है। इन औषधियों को यदि हम समझ जाए तो निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा है, शरीर में जो एनर्जी है, उसका स्वरूप जो हमारे रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता प्रदान करती है, हमारे बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी पावर पैदा करती है, कैसे और किस प्रकार से हो सकता है, इसको हम लोग इसमें जान सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इसमें जो है, कष्ट रहित चिकित्सा, इसमें किसी प्रकार की दर्द नहीं होता, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, क्योंकि इसे लगाने से, और ऐसा भी नहीं कि बहुत जोरों से उंगलियों को आपस में दबाए, नहीं, सहज क्रम में उंगली वाले टच, आप टच करके रखें, जैसे आप इस फिगर में फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं, सहज क्रम में, और वैसे उसको अलग रखना भी नहीं है, उसको आप सिंपल गोदी में रख लीजिए। आप माला जप कर रहे हैं तो एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में किसी अच्छी विशेष मुद्राओं का, जो आपके व्यक्तित्व को, आपके शरीर को क्या है, सुशुद्ध करता है, सुटेबल आपके लिए है, उसी मुद्रा का आप प्रयोग कीजिए, तो आपके लिए एक काम दो काज वाली बातें सहज कर्म हो सकता है। वयोवृद्ध और बच्चों के लिए सर्वसुलभ चिकित्सा है, इसमें कोई विशेष ऐसे नहीं है कि इसमें कि छोटे बच्चे नहीं करेंगे या वृद्ध नहीं कर पाएंगे, थोड़ी युवा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है उनको कराइए, बस अगर ये ध्यान रखना है कि समय अवधि छोटे बच्चों के कम समय का रखें, युवा के लिए ज़्यादा रखें, या वृद्धों के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा रखें, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारे शरीर की ऊर्जा कम होती है, ज़्यादा समय के लिए उनको क्या है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। युवा है तो युवा में एनर्जी मीडियम होता है, तो उसको आप 1 घंटे 1.5 घंटे में प्रयोग काम चल सकता है, लेकिन छोटे बच्चे होते वैसे उसमें हाई एनर्जी होती है, तो छोटे बच्चों के लिए कम समय में भी काम चल सकता है। बच्चों को आप सहज क्रम में खेल खेल में बता दें मुद्रा का प्रयोग, तो बच्चे करेंगे, निश्चित तौर से ज्ञान मुद्रा बताइए, चीन मुद्रा बताइए, बहुत सारे छोटी छोटी मुद्राएं साथियों उसको हम बता करके बच्चों को बहुत सारे सर्दी जुकाम फीवर और कब्ज जैसे बहुत सारे रोगों से हम क्या है मुक्त हो सकते हैं। समय श्रम व धन की बचत, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसमें अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक हाथ से लिख रहे हैं, दूसरे हाथ में आप मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। श्रम अलग से अतिरिक्त कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है, और धन की तो बात ही नहीं है, बस यदि आपको समझने की आवश्यकता है, आप समझ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। शारीरिक व मानसिक प्रतिरोधक क्षमता जो इसमें जो हमें मिलती है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर का इसमें विकास करने की जो क्षमता है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारी इम्यूनिटी क्षमता को, हमारी पावर को क्या है, विकसित करता है। कहा गया है मुद्रा स्थिरता चेव, मुद्रा से स्थिरता आती है, मानसिक स्थिरता आती है, मन की चंचलता इससे अवरुद्ध होती है, इसलिए मुद्रा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। पीड़ा रही तथा सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है, पहले भी चर्चा किया था, इसमें किसी प्रकार के कष्ट, किसी प्रकार के दर्द नहीं है, इस सहज क्रम में आप सब हम सब इसे कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। हस्त मुद्राओं की जो समय अवधि की जहां तक बात है, इसे कितने समय तक हमें करना चाहिए, तो वैसे हमारे शास्त्रों में, योगी ग्रंथों में, विशेषतः तंत्र और मंत्र के ग्रंथों में जो चर्चा है वो 45 मिनट 45 मिनट की बात है। आप इतना समय कम से कम भी लगाए तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, यदि और इसको वेरीफाई अगर थोड़ा सा इसको और अलग अलग करें तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 45 मिनट को लंबे समय तक क्यों नहीं कर सकते, लंबे समय तक किया जा सकता है, या जब आपके पास समय जितना समय है उतना समय कम से कम इसको लगा लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, जिससे हमारे जीवन में उसका लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो साथियों, ये हमारे जो समय है, इस समय तुम्हारी सुविधा के लिए यहाँ पे दी गई है। अगर आप कहें साहब मुझे 45 मिनट लगातार मैं नहीं लगा सकता, तो कोई बात नहीं, आप कम समय लगा लीजिए, आधे घंटे लगा लीजिए, 20 मिनट लगा लीजिए, लेकिन कम से कम 15 मिनट तो लगाइए एक टाइम में।
आप चलते फिरते भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बैठ कर एक जगह बैठ कर स्थिर होकर लगाएंगे। हाँ, लेकिन एक बार जगह बैठ कर ध्यान की अवस्था में मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उस समय श्वास प्रश्वास हमारी प्राण की गति सभी एक निश्चित दिशा में होती है। उस समय मुद्रा सहज और स्वाभाविक जल्दी से कार्य करता है। लेकिन जब हम कहीं चल रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, उस समय हमारी मुद्रा बिखरी हुई होती है। कार्य तो मुद्रा सहज कला में करेगा ही करेगा। अगर कुछ नहीं तो उस समय भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मुद्राओं का प्रयोग करें, क्योंकि योगी जागता है, सोता नहीं। वो चलते फिरते हर क्षण उनकी सारी क्रियाएं क्या होनी चाहिए, योगमय होना चाहिए। चलते फिरते भी मुद्राओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। विशेषकर हस्त मुद्राओं के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हाथ में लगने वाली मुद्रा है, उस मुद्राओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। कई लोग करते भी हैं, चलते फिरते उनके हाथ इधर से उधर उंगलियाँ जो मुड़ते रहते घूमते रहते हैं, अर्थात उनकी चिंतन कहीं उसकी ऊर्जा किसी न किसी एक विशेष धारा पे विशेष दिशा पे चलती रहती है। आप सहज क्रम में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कर लीजिए, आप आने वाली मुद्रा का प्रयोग, हृदय मुद्रा का प्रयोग कर लीजिए। सहज क्रम है। मित्रों, अगले कड़ी में हम सभी एक मुद्राओं के बारे में, उनके वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, सभी बारे में हम स्टेप बाई स्टेप चर्चा करने वाले हैं। इसको आप ध्यान सुनेंगे और इन मुद्राओं के बारे में मित्रों साथियों, हमारे मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की कुछ तरह सिद्धांत एवं प्रयोग है। ये एक अद्वितीय ग्रंथ, एक साहित्य कह सकते हैं, लिटरेचर कह सकते हैं हम इसे, जिसका सृजन किया है। इसमें सभी इसके वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में चर्चा किया गया है। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं, या फिर हमारे जो एड्रेस है, आप स्टेशन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे जो दिया गया है उसको देख करके वहाँ से आप ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगले जो कड़ी आने वाली है, उसमें हम अलग अलग और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हस्तगत करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।